हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक और रेमेडी, बहुत ही यूज़फुल रेमेडी लेके आई हूँ, जो कि आपके बालों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होने वाला है। तो आज मैं सिर्फ आपको हल्दी से होममेड डाई बनाना बताऊँगी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हमें एक चम्मच हल्दी लेना है, आपकी लेंथ जैसी हो उस हिसाब से आप लें। और इसको हमें एकदम लो फ्लेम पे भुनना है, और इसका हमको एक चारकोल पाउडर जैसा बनाना है, क्योंकि जो चारकोल होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है हमारे बालों के लिए। जो हल्दी होती है वो एंटीबायोटिक होती है, एंटी फंगल होती है, एंटीसेप्टिक होती है। ये हमारे जो मेलेनिन होता है उसको बूस्ट करती है बहुत ही ज़्यादा, और हमारे बालों को मजबूती देती है। तो हल्दी हमारे लिए बहुत, बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको कोई और चीज़ नहीं लेना है, ये आप हल्दी जो आपके किचन में ही मौजूद होती है उसी से हमें ये डाई बनाना है। और बिल्कुल लो फ्लेम पे, मैं एकदम लो फ्लेम पे करी हूँ, फिर भी आपको लग रहा होगा कि हाई फ्लेम है, लेकिन नहीं, हाई फ्लेम नहीं, एकदम लो है, क्योंकि इसको और तेज़ी से चलाते हुए भुनना है, नहीं तो फिर ये जल सकता है। तो जल जाएगा तो फिर वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे कस्तूरी हल्दी का प्रयोग नहीं करना है, आपको जो अपने किचन में हल्दी यूज करते हैं ना, वही हल्दी आपको यूज करना है। तो आपने इस बात को समझ लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा अगर हम नहीं चलाएंगे तो वो लग जाएगा। तो देखिए ये थोड़ा थोड़ा भून रहा है धीमे धीमे, और एक पाउडर फॉर्म में, ब्लैक चारकोल में ये चेंज हो जाएगा, और इसी का यूज करके आज हम डाई बनाने वाले हैं। तो चलिए इसको हम भून लेते हैं और अच्छे से, फिर इसका कलर चेंज होने तक, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके आगे हमें क्या करना है, इसके अंदर हमको क्या मिलाना है, जिससे कि ये एक अच्छी सी डाई बन जाएगी जो हमारे बालों को अच्छा सा कलर देगी, मेलानिन को बूस्ट करेगी। तो यहाँ देखिए ये चारकोल पाउडर एकदम रेडी हो चुका है, और बहुत ही देख सकते हैं आप, एकदम कितना अच्छा सा हो गया है, कलर भी देखिए कितना अच्छा आ गया है इसमें। और उसके बाद चलिए इसके अंदर हमें वो क्या चीज़ मिलानी है जिससे कि हम मिठाई रेडी कर सकते हैं। तो चलिए मिला लेते हैं। तो इसमें हमें लेना है कोकोनट ऑयल। तो यहाँ पे हमने चारकोल पाउडर को ठंडा कर लिया था, उसके बाद एक बाउल में हमने ले लिया, आप चाहें तो कढ़ाई में भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने कोकोनट ऑयल लिया है। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं हो तो आप मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, अगर मस्टर्ड ऑयल भी नहीं हो तो आप अरंडी का ऑयल भी ले सकते हैं, जिसको कि हम कैस्टर ऑयल बोलते हैं, ऑयल कोई भी हो। और ये जितनी भी चीज़ें हैं कोई हार्मफुल नहीं है, नेचुरल चीज़ें हैं, ये नेचुरल डाई है, और आप इसको रेगुलर यूज करेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि आपने एक बार यूज किया और एक बार में ही आपको बाल काले कर देगा, कोई ऐसा चमत्कार नहीं होने वाला, लेकिन आपको इसको रेगुलर यूज करना पड़ेगा तभी आपके बाल जो है काले होंगे। तो मैं यहाँ पे दोनों का यूज करूँगी, मैं यहाँ कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल दोनों ही यूज कर रही हूँ, और आप दोनों कर सकते हैं या एक कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल वो कर सकते हैं। तो ये मैं देखिए डाई होम में डाई बन के रेडी हो चुकी है। इसकी जो थिकनेस है वो इस तरह की रखनी है, बहुत पतला नहीं करना है। उसके बाद हमें अपने बालों में इसको लगा लेना है, और लगाने के बाद फिर आपको छोड़ देना है, और फिर आप इसको जब नहाने जाएं तो बस इसको आपको धो लेना है। तो देखिए ये कितना अच्छा सा डाई बन के रेडी हो गया है। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। आप चाहें तो इस रेमेडी को रात में भी लगा सकते हैं, अपने स्कैल्प पे अच्छे से इसको मसाज करें, लेकिन ये आपके पिलो पे लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक जो ख़राब टॉवल है उसको आप बिछा लीजिए, उसके बाद आप इसको लगा लीजिए तो वो गंदा भी नहीं होगा, और उसके बाद आप सुबह में नॉर्मल आप धो सकते हैं इसको।